जब कंस का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण वृंदावन की गलियों से हमेशा के लिए जा रहे थे मथुरा की ओर, तो अंतिम बार वो राधा से मिलने आए। राधा ने उन्हें देखा तो रो पड़ी, कहने लगी, कृष्ण कान्हा तुम तो कभी लौट के वृंदावन नहीं आओगे, मुझे किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हो, मैं यहाँ क्या करूंगी, मुझे भी अपने साथ ले चलो। कृष्ण चुप हो गए। राधा समझ गई कि कृष्ण का चरित्र इतना महान है कि बिना ब्याह किए वो एक स्त्री को अपनी संगिनी नहीं बना सकते। राधा ने कहा, कन्हैया तुम भी यहाँ हो, मैं भी यहाँ हूँ, ये लो सिंदूर, भर दो मेरी मांग में, बना लो मुझे अपने सुहागन और ले चलो मुझे अपने साथ मथुरा। ये सुनते ही साथियों कृष्ण राधा की तरफ पीठ करके खड़े हो गए। राधा का दिल फट गया, उनकी आत्मा रो पड़ी। वो कहने लगी, कन्हैया क्या मैंने अपने प्रेम को विवाह में बदलने की बात करके कुछ गलत कर दिया, कुछ अशुभ कह दिया, कुछ ऐसा कह दिया जो मुझे नहीं कहना था, मुझे क्षमा कर दो, एक बार देखो तो मुझे, पलटो तो मेरी ओर, कहाँ छुप गए कन्हैया, क्यों उस तरफ घूम गए। और कृष्ण पलटते हैं तो राधा क्या देखती है कि वो कृष्ण है ही नहीं, सर से पांव तक राधा हो चुके हैं। कृष्ण कहते हैं, राधा राधा विवाह के लिए दो की आवश्यकता होती है, मैं और तुम दो कहाँ हैं, एक ही तो है, बताओ मैं किससे विवाह करूं, अपने आप से।